तो भी ये संडे का क्लिप है, तो संडे की मैंने शूट कर ली थी, तो ये अभी ट्यूसडे को अपलोड कर रही हूँ मैं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज मैं करने जा रही हूँ, आज नहीं मतलब संडे को मैंने कर रही हूँ और आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये केराटिन क्रीमी हेयर मास्क लगा रही हूँ अपने हेयर्स पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपने हेयर्स पे कुछ अप्लाई नहीं किया था। वो शैम्पू वैम्पू किया और बस ऑयलिंग वगैरह की, अच्छे से कंडीशनिंग नहीं करी थी। लंबे बाल किसी अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनकी केयर बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही गंदे और डल हेयर्स हो रहे थे मेरे, तो मुझे लगा आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास संडे को, तो अप्लाई करते हैं ऐसे। सबसे पहले मैंने हेयर वॉश ले लिया था अच्छे से, तो हेयर वॉश के पीछे ये सब पोछा वगैरह, सफाई वगैरह ये सब हो रही है। एक्चुअली क्या, हेयर वॉश मैंने थोड़ा किचन में ले लिया था, क्योंकि बाहर से ये बाथरूम में पोछा वोछा लग रहा था, ये पानी ले रहे थे आंटी, तो ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया हेयर्स को अपने। बिल्कुल क्लीन आपके हेयर्स हों, थोड़े से वेट हेयर्स हों, उसके बाद ये अप्लाई करना है। तो ये है मेरे पास केराटिन का क्रीमी हेयर मास्क, ये कंडीशनिंग का काम करता है। इसके सारे कैसे अप्लाई करना है आपको, कितने टाइम तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और सब कुछ लिखा हुआ है कि इस पर क्या क्या डाला हुआ है, इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आपको ये इरिटेट करता है तो इसको इमीडिएटली अपने बालों से हटा दीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और बच्चों की पॉन्ड से दूर रखिए। ये सब कुछ लिखा हुआ है इस पर, सनलाइट से दूर रखिए। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत सूट करता है, क्योंकि मैंने स्मूथनिंग करवाई थी 2 ईयर्स पहले एंड केराटिन भी करवाया था अभी दिसंबर में, तो मुझे तो बहुत बढ़िया से सूट करता है ये, मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये मैं लोकल मार्केट से ही लेके आई थी, बहुत अच्छा दिया है भैया ने। तो ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ, 2 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर लिया अपने हेयर्स को, एंड देन उसके बाद फिर एक एक पोर्शन में थोड़े थोड़े हेयर्स लेके अच्छे से टॉप से लेके बिल्कुल एंड तक अपने हेयर्स को अच्छे से अप्लाई करना है। थोड़ा सा हल्का सा खींचना है बालों को अच्छे से, तो बिल्कुल ऐसे कर करके मसाज करनी है पूरे हेयर्स पे आपको। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके ये सारा मैंने कर लिया है अप्लाई। अब केराटिन, ये समझ लो आपका केराटिन स्मूथनिंग ही घर पे हो रहा है, जिससे कि मेरे बाल तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। अगर आपने भी स्मूथनिंग करवाई है या कोई ट्रीटमेंट लिया है केराटिन का, तो आपको ये शायद अच्छे से इसका पता होगा, और ये अच्छे से बहुत अच्छे कर देता है हेयर्स को। सारे बालों पे मैंने धीरे धीरे करके ये लगा लिया है, दूसरी साइड भी अच्छे से लगा लूंगी हेयर्स पे। बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, अच्छे से लगाइए इसको, ये तो इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होता। फिर पूरा अच्छे से एक एक बाल पे आपका ये लगना चाहिए ये क्रीम। साथ ही साथ सोहम के साथ मैं बातें भी कर रही हूँ, वो मेरे साथ बातें करने लगा हुआ है, टाइम पास भी हो रहा है मेरा। आप दे दो इसको लैपटॉप, कह रहा है मैं कर दूंगा, छोड़ दूंगा। अच्छे से दूसरी वाली साइड पे भी अच्छे से आपने क्रीम लगा लिया है मैंने, ये बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक अच्छे से लगाया मैंने इसको। और इसको अप्लाई करने के मैं 10 मिनट्स तक इसको ऐसे ही रहने दूंगी, आप 3-4 मिनट 5 मिनट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसे। मैं 10 मिनट्स के लिए रखूंगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ड्राई हो चुके हैं।